तो वो आवाज जो एक सुर में ऊपर जाएगी और फिर वो सलामी दी जाएगी, ये बेहद खूबसूरत दृश्य होता है। और मुझे लगता है कि बचपन से लेकर आज तक इतने साल पत्रकारिता के भी हो गए, स्कूल लाइफ भी मैंने देखी, लेकिन ये जो तस्वीरें टीवी पर इस समय आती है, दूरदर्शन पर बचपन में हम देखा करते थे, इनका इंतजार मुझे हमेशा रहता। पर आपने एक बात मिस कर दी, आप कह रहे हैं आपने स्कूल लाइफ देखी, पत्रकारिता देखी, कॉलेज की लाइफ क्यों नहीं देखी आपने? कॉलेज बताइए, पूरा मैंने उसको कट शॉर्ट करके कहा। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं आपको बताऊं, मिनट टू मिनट, शोभना जी ने जो प्रोग्राम बताया मिनट टू मिनट की क्या खास बात है, इसमें ये भी पता है, ये भी तय है कि गाड़ी यहां पर रुकेगी, इतने बजे गेट खुलेगा। जब हम वीवीआईपी प्लेन्स में ट्रैवल करते हैं ना, तो उसमें जो रूट लिखा रहता है उसमें ये भी लिखा रहता है कि प्लेन कितने बजे लैंड करेगा और डोर ओपनिंग का टाइम क्या होगा, इतनी मिनट टू मिनट डिटेल होती है। ये देखिए, ये गाड़ियों का सिंक्रोनाइजेशन देखिए, बिल्कुल एक एक कतारबद्ध, बोनट से बोनट आप अगर लाइन खींचेंगे तो एकदम सीधी लकीर आप खींच पाएंगे। ये इसकी बहुत प्रैक्टिस की जाती है, रिहर्सल किया जाता है, और मुझे लगता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए इस समय उत्सुकता। लाल किले पर तमाम जो वीवीआईपीज हैं वो ऊपर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले लाहौर गेट पर उतरेंगे, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, और उसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर जाएंगे, झंडारोहण होगा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये प्रधानमंत्री